बुलंदशहर जिलाधिकारी अभय सिंह और उनकी पत्नी माधवी सिंह ने आज एक नई पहल की है। जिलाधिकारी और उनकी पत्नी ने मलिन बस्ती पहुंचकर झाड़ू उठा ली और स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। डीएम और उनकी पत्नी द्वारा चलाए गए इस अभियान में कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान डीएम और उनकी पत्नी ने स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डीएम और उनकी पत्नी हाथ में झाड़ू उठाए हुए हैं। मैम, आज जो आपके द्वारा सफाई की जा रही है, कहां से कहां की जा रही है, क्या उद्देश्य है? जी, ये यहाँ पे एक बस्ती है हमारी, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य इतना था कि यहाँ पे क्योंकि गंदगी समिति ने पाया की है और महिलाएं बहुत टाइम से चाह रही थी कुछ ऐसा प्रोग्राम हो, क्योंकि 2 साल से समिति थोड़ा मुश्किल पड़ी हुई है, तो हमने सोचा अच्छे से बनाया जाए और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे तो क्या विकास करेंगे। तो हमारा समिति का एक ही अब नया लोगो है कि पहले स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ बुलंदशहर और स्वस्थ हमारा। मैम, कुछ अनियमितता मिली है? कुछ अनियमितता थोड़ी ये है कि यहाँ पे डस्टबिन की कमी है, जो कि हम नगर निगम को बोलेंगे कि यहाँ पे एक सीमेंटेड डस्टबिन बनाए, क्योंकि प्लास्टिक की तो ये लोग उठा ले जाएंगे घरों में या बच्चे खेल के तोड़ देंगे। तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम प्रशासन को लिखेंगे या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे सीमेंटेड कहीं के भी बनवा दीजिए, थोड़ी बाद पे यहाँ जो समस्या है उसको ठीक करा दें। यही है, बाकी स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ इंडिया और 19 तक हम सोच रहे, क्योंकि ये नेशनल मिशन है, तो अगर हम थोड़ा बहुत भी इसमें योगदान दे पा रहे थे हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और हम अपनी समिति को चाहते हैं कि बुलंदशहर की जो समिति है ये बुलंदशहर और मंडल में ना हो के यूपी की सबसे बेस्ट समिति बने और लोग जाने कि हाँ कोई समिति है। न्यूज में और पब्लिसिटी नहीं था इसका, बस इतना था कि अगर झाड़ू हम लगाएंगे, सारी महिलाएं बहुत अच्छे परिवारों से हैं और काम कर रही हैं, तो कम से कम किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि झाड़ू हम खुद भी लगा सकते हैं। उनको ये शर्माने की जरूरत नहीं कि हम कैसे झाड़ू लगाएं, कहीं भी आप झाड़ू लगा सकते हैं, आप सफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ही को रहना है स्वच्छ इंडिया तो स्वस्थ इंडिया। बस थैंक यू।